हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ वो चंद्रमा पर भारत की सफलता के द्योतक चंद्रयान 2 मिशन के बारे में है। इसके अंतर्गत हम चंद्रयान 2 से जुड़े कुछ फैक्ट्स और अब तक चंद्रमा पर भेजे गए सभी अंतरिक्ष सभी अभियानों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या कर सकते हैं एक हॉट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। खासकर यूपीएससी या पीपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि चंद्रयान 2 के बारे में है और इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आज आप उस पर ध्यान न दीजिएगा, आप मेरे वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रमा पर 110वां अंतरिक्ष अभियान है चंद्रयान 2 कौन सा अभियान है? 110वां अंतरिक्ष अभियान है चंद्रयान 2। चंद्रमा पर दुनिया का 110वां और इस दशक का 11वां अंतरिक्ष अभियान है। 109 में से 90 अभियानों को 1958 और 1976 के बीच चांद पर भेजा गया। उसके बाद चांद पर अभियानों को भेजने का सिलसिला सुस्त पड़ गया। 20वीं सदी के 9वें दशक में चंद्रमा पर अभियान धीरे धीरे फिर से शुरू हो गए और 2008 में चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर की गई पानी की खोज ने दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चंद्रमा की ओर आकर्षित कर लिया। चंद्रयान 1 द्वारा जो चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी उसके द्वारा दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चंद्रमा की ओर आकर्षित हो चुका है। अब जान लेते हैं भारत के पहले प्रयास के बारे में। तो 52% की सफलता दर के साथ अंतरिक्ष एजेंसियां अब तक कुल 38 सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास कर चुकी हैं। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का भारत का पहला प्रयास है। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना देगा। अब जान लेते हैं अब तक हुए चंद्रमा पर मानव अभियान के बारे में। तो इन अभियानों के तहत चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा जाता है। अभी तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ही चंद्रमा पर मानव को उतारने में सफल रही है। 1969 और 1972 के बीच अब तक आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं। इसके बाद चंद्रमा पर उतरने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन नासा ने अब वर्ष 2024 तक एक और मानवयुक्त मिशन को भेजने की योजना की घोषणा कर दी है। अब जान लेते हैं चंद्रमा पर विभिन्न चंद्रमा मिशन के बारे में, जिसके अंतर्गत विभिन्न अंतरिक्षयानों को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए या विभिन्न मिशनों के तहत जिन अंतरिक्षयानों का प्रयोग किया गया उसके बारे में हम संक्षेप में जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे फ्लाईबाय मिशन के बारे में। तो ये कौन से मिशन है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ये वे मिशन है, फ्लाईबाय मिशन ऐसे मिशन होते हैं जिनमें अंतरिक्षयान चंद्रमा के पास से गुजरते तो हैं लेकिन चंद्रमा की कक्षा में नहीं पहुंचते। ये चंद्रमा का दूर से ही अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फ्लाईबाय मिशन के कुछ प्रारंभिक उदाहरण हैं अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए पायनियर 3 और 4 और तत्कालीन USSR के लूना 3 जो चंद्रमा के पास से गुजर चुके हैं। अब जान लेते हैं ऑर्बिटर मिशन के बारे में कि ऑर्बिटर्स मिशन क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता है। इन अंतरिक्षयानों को चंद्रमा की कक्षा में भेजने और चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ऑर्बिटर मिशन को चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर मिशन सबसे आम तरीका है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ चांद और मंगल की सतह पर ही लैंडिंग संभव हो पाई है। अन्य सभी ग्रहों का अध्ययन ऑर्बिटर या फ्लाईबाय मिशनों के माध्यम से किया जा सकता है या किया गया है। अब जान लेते हैं लैंडर मिशन के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनकी क्या खास बात है। इन मिशनों में चंद्रमा पर अंतरिक्षयान की लैंडिंग शामिल है। यह ऑर्बिटर मिशन की तुलना में अधिक जटिल है। लैंडर्स जो होते हैं वो ऑर्बिटर मिशन की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। चंद्रमा पर पहली लैंडिंग 31 जनवरी 1966 की तत्कालीन USSR के लूना 9 अंतरिक्षयान द्वारा पूरी की गई थी। इसने चंद्रमा की सतह से पहली तस्वीर को भी धरती पर भेजा था। अब जान लेते हैं रोवर्स मिशन के बारे में। तो ये लैंडर मिशनों का विस्तार है। रोवर्स मिशन क्या है, ये लैंडर मिशनों का विस्तार है। लैंडर अंतरिक्षयान भारी होते हैं तथा पैरों पर खड़े होते हैं और लैंडिंग के बाद स्थिर रहते हैं। इन पर लगे उपकरण अवलोकन कर सकते हैं और डाटा एकत्र कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह के संपर्क में नहीं आ सकते। जो लैंडर मिशन थे वो चंद्रमा की सतह के संपर्क में नहीं आ सकते हैं। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए ही रोवर्स को डिज़ाइन किया गया है।
रोबर्स चंद्रमा की सतह पर घूम सकते हैं और बहुत उपयोगी जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं जो कि लैंडर के भीतर के उपकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चंद्रयान 2 मिशन में रोबर को जो चंद्रयान 2 भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन है उसमें उसके रोबर को क्या नाम दिया गया है? प्रज्ञान। इस साल की शुरुआत में एक चीनी लैंडर और रोबर मिशन चंद्रमा पर पहुंच चुका है और ये अभी भी वहां पर सक्रिय है। अब जान लेते हैं भारत के चंद्रयान 2 मिशन के बारे में कि इसके अंतर्गत क्या है, जो जानकारी हमें प्राप्त करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा पर लैंडिंग के कुछ घंटे पहले यानी जो भारत का चंद्रयान 2 मिशन था उसने चंद्रमा पर लैंडिंग से कुछ घंटे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और आर्बिटर के बीच कुछ गुफ्तगु साझा की और इस लैंडर को 2 सितंबर को आर्बिटर से अलग किया गया था और रोवर प्रज्ञान भी लैंडर के साथ ही है। चांद पर उतरने के बाद रोवर को लैंडर से अलग होकर प्रयोगों को अंजाम देना होगा। लैंडर अपनी जगह पर खड़े खड़े प्रयोग करेगा और आर्बिटर साल भर चांद की प्रतिमा करते हुए जानकारियाँ जुटाएगा। जो रोवर है लैंडिंग के 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर जो चंद्रयान 2 का जो चंद्रयान 2 के जो विक्रम लैंडर है वो प्रज्ञान रोवर से निकलकर चांद की सतह पर चलेगा, जमीन पर चलेगा और अध्ययन में जुट जाएगा और सभी आंकड़े एकत्रित करेगा। आर्बिटर, इसका जो चंद्रयान 2 का आर्बिटर है वो चंद्रमा के चारों ओर एक साथ लग चक्कर लगाएगा और रोवर प्रज्ञान जो रोवर इसका रोवर जो है जिसको प्रज्ञान नाम दिया गया है वो जानकारी को लैंडर विक्रम से साझा करेगा। वो अपने द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को लैंडर विक्रम से साझा करेगा और विक्रम उस जानकारी को आर्बिटर तक पहुंचाएगा। आर्बिटर उसे धरती के कमांड सेंटर तक पहुंचाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चंद्रयान 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपकमिंग सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो मैंने जो आपको जानकारी दी है उसे आप वीडियो लेक्चर को पास करके उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और पास ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।